दोस्तों आदाब नमस्ते सत श्री अकाल। मैं तुहाडा अपना गुरजंट ककराला ते अज असीं पहुंचे हां नकोदर बाबा मुराद शाह जी दे दरबार ते ते अज असीं तुहानूं दर्शन करवावांगे पूरे दरबार दे की बनिया होया उत्थे ते किदां दा दरबार है। सो ये दरबार दी जिहड़ी बाहरली बाउंड्री कह सकते हां आपां उतों हूँ असी एंट्री कर ली है। तो देखो ये जड़े दे गेट बने हुए ने दरबार दे वो गेट आ गए। इन्होंने इतने बैरीगेट लाए हुए थे क्योंकि टाइल वगैरह इतने लाई है तो नो पार्किंग दे साइन लगे हुए थे क्योंकि अगे जिहड़ा मेला आ रहा है ते हुण मेले करके जिहड़ा प्रोग्राम अगे उन्हां दा लिखिया होया। सो तां करके इह जिहड़ा सिस्टम इहनूं तैयार कीता जा रहा। देखो इह वी दरबार दा गेट आ गया जी क्योंकि इत्थे हुण जिहड़ी गड्डी आ उह असीं पार्किंग नूं लै गए आ। हुण गड्डी असीं अपनी पार्किंग दे विच लाई आ। इत्थे पार्किंग दा कोई पैसा नहीं जी, पार्किंग फ्री है ना बोलो। ते देखो जो गेट एंट्री करते हैं आपां तां गेट दे बिल्कुल नाल जिहड़ा फुहारा चल रहा है ते इत्थे जिहड़ा प्रसाद दी दुकान है वह सज्जे हाथ जो आपां मेन सड़क तो एंट्री करते हैं तां सज्जे हाथ प्रसाद दी दुकान है ते खब्बे हाथ दरबार है। सो यही वो प्रसाद की दुकान है जितों प्रसाद आप लेके मत्था टेकते हैं। हूँ असी प्रसाद लेके इतों अंदर जावे तो ये आ गई एंट्रस जी। ये देखो 24-25 अगस्त जोड़ा 2023 में इतने मेला भरना है। तो हूँ असी इतों मेन गेट की है जी एंट्री की है तो जिते जय बाबा मुराद शाह जी की तस्वीर लगी हुई है। आज हूँ असी थानू अंदर लेके चलते हाँ। यह वो हॉल जिते सेंटर के अंदर जी जगह वो इन्नी दिती हुई है। ये ऑफिस आ गया तो जोड़ा दरबार है वह जो डिजाइन है वह सारा इको नाल है। जोड़े गेट बने ने वो सारे इको नाल ने। देखो हूँ इतों असी एंट्री की है। क्योंकि अंदर दे भी देखो डिजाइन है जिहड़ा बड़ा सोहना बनया हुआ है तो किते भी तुहानू जिहड़ा कूड़ा करकट जां कह सकते हैं प्रसाद का किते भी भोरा नहीं मिलेगा। बहुत सफाई है, सफाई का इन्ना ज़्यादा ध्यान रखा जाता है भी हद तो परे तुसी उत्थे जाओगे तो तुसी देखोगे। सो जिहड़े भरा गए ने उन्होंने देखा हुण ते उस गेट की एंट्री ते 2 वाटर कूलर लगे है। ते हुण असी अंदर चले हाँ जी दरबार दे बाबा जी दे मत्था टेकण। ते देखो जी इत्थे डेरा बाबा मुराद शाह जी दा लिखा हुआ ते तस्वीरां उन्हां दीआं लगियां हुईआं ने। सो यह बाबा मुराद शाह की समाधि जिथे मत्था टेकता जी। ये बाबा लाडी शाह की है। तो इतों हूँ असी बाहर मत्था टेक के बाहर चले हैं क्योंकि उत्थे वीडियो है जी घट बना देंगे क्योंकि अंदर अलाउ नहीं हैगी वीडियो बना। सो त करके आप नहीं चाहते सी कि आप मतलब वीडियो बनाईए ज उन्हों का कोई बराबरी करिए क्योंकि आप दरबार तो लैन गए से कुछ हम अगे उतो आप चल पे जी लंगर वाल। देखो ये हाल है पहला जिथे बाबा लाडी शाह जी उन्होंने तस्वीर तो लाडी शाह जी के हाथ लगी हर एक चीज़ में बड़ा सामभ के रख्या हुआ है
क्योंकि उन्होंने उस बाबा जी की छड़ी में भी सामभ के रखा हुआ है। तो उपर देखो कि मीनाकारी हुई हुई है जी। तो देखो ये बाबा जी दियाँ वो जगह बनी हुई है जिथे उन्होंने कली कली चीज़ न सामभ के रख्या है। तो अंदर लिखा है जय साइया जी। देखो मैं थोनों नज़दीक तो दिखाने की कोशिश करदा कि बाबा जी का रेड़ूआ तक उन्होंने सामभ के रख्या हुआ है। बाबा जी का कौला तो साई जी के जड़े जुत्ते सीगे हर एक चीज़ उन्होंने बड़े तरीके सामभ के रख्या हुआ है। क्योंकि कोई भी चीज़ उन्होंने बेकदरी नहीं की। बाबा जी का टेप रिकॉर्ड तक सामभ के रख्या हुआ है। हूँ असी आ गए जी लंगर च। तो देखो ये ज़्यादा लंगर इधर चल रहा है तो इधर प्रसादे का लंगर चल रहा है। तो देखो संगत बैठी छक रही है। लंगर का कोई टाइम नहीं। लंगर तुसी जो मर्जी जाओगे लंगर तुहानू उसे टाइम ही मिलता है। सो असी बुधवार गए सीगे तो यह बुधवार का दृश्य है। क्योंकि बई उत्थे लंगर कनियों किसी नहीं कहा जाता कि अज मान लो वीरवार भी लंगर चलता। सो बई जी असी बुधवार गए सीगे तो बुधवार में भी उत्थे जिहड़ा चाह का लंगर है वह कप्पां च दिता जाता चाह। तो लंगर बड़े प्यार नाल छकाया जाता। सो बई देख के उत्थे बैठ के मन नूं बहुत सुकून मिलिया। सो ये आ गई बई जिथे बर्तन मांजे जाते हैं वो बिल्कुल नाल। तो यह आ गया बई जी हाल जिधर कलाकार ते इकबाल ते मेरे अजीज़ गुरदास मान जी जिधरली साइड अपनी स्टेज नूं सजाउंदे ने। क्योंकि ये उत्थे जगह बनी हुई है पर इहदे च धूणा नहीं है जिहड़ी जगह मैं तुहानूं हुण दिखाई है। क्योंकि ये आ गया जी इहदा लैंटर पिया होया इन्नी जगह च डॉन बीमान वाली पिया होया। तो इत्थे जो बाबा जी ने नाम का एक एक गड्डी खड़ी है वो गड्डी का देखो नहीं पता मैनू भी की है वो। क्योंकि इत्थे देखो जी ये बनी हुई है प्लेन जगह है ये कोई धूना जा कुछ नहीं है। तो ये गड्डी खड़ी है जी उत्थे बाबा जी की। देखो ये आ गया जी जिहड़ी स्टेज है जिथे कलाकार आके आपो अपना जौहर दिखाते हैं तो लोगों नूं संगतां नूं निहाल करते हैं। क्योंकि बहुत बड़ा शैड है बई जी संगतों के बैठने वास्ते बहुत वधिया उपराला किया हुआ। सो बई जी सफाई नूं देख के ते प्रेम प्यार नूं देख के उत्थे मन है जिहड़ा पूरा संतुष्ट ते खुश होया। बई ये बई जिथे चाह बन रही है वो बराबर वाली साइड का व्यू है। क्योंकि उत्थे झील की तरह पानी सीगा। तो इत देखो बई हूँ अगे जो लंगर है आ जी चाह है देखो चाह उबल रही है। तो चाह है जी कप्पां च ही पा के दी जाती है। देखो इतों चाह के जोड़े कप ने भर के देते जाते हैं अगे जाके संगतां च वरताई जाती है। देखो सारी संगत है जी कप्पां च ही चाह पी रही है। कप्पां का पता नहीं बई जी किन्ने का कप रखे हुए है इत्थे। सो देखो बाबा जी दियां तस्वीरां जिहड़ियां वह चीनी दे विच खुणियां होईयां ने टाइल दे विच बनवा के लगवाईयां होईयां ने। वो देखो इत्थों असीं हुण एग्जिट हो रहे हां ते इसे गेट तो प्रसाद मिलदा जी। सो देखो बई जी इत्थे प्रसाद दिता जांदा। ये आ गईयां जी बाबा जी दियां गड्डियां। सो जिहड़ियां गड्डियां दे अंदर बाबा जी जाते होंगे सीगे ये गड्डिया उस तो बाद नहीं गड्डिया ये गड्डिया अंदर ला के साफ सफाई वास्ते शीशे लगे हुए है। तो ये गड्डिया अंदर ही खड़िया जी उत्थे दरबार दे। ते ये आ गया बई जी बाहर का व्यू जितों आप चले सीगे ये जगह है। देखो जगह बाहर भी बहुत खुली जगह है तो खुला वातावरण है। सो भीरे तुसी भी जरूर आओ इस जगह पर आओगे मन भी प्रसन्न होंदा बई जी मन चैन मिलता है।
सो मेरा भरा तुसीं भी एक बारी उरे विजिट जरूर करियो, साईं तुहाडी झोली है जिहड़ी ओह खुशियां नाल भरनगे। सो बई है ना, मेरे तो बोलते हुए जां दसदे हुए कई गल्लां शायद मैनूं नहीं पता, कुछ गल्लां गलत भी गईआं गईआं होण, सो भीरे मैं उहदे लई माफ़ी चाहुंदा, ते मैनूं तुसीं अपना भरा समझ के माफ़ करना, जय सांझां दी।